के मामले के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटेवा थाना क्षेत्र में हुई थी लूट की घटना। आरोपी में से एक निकला प्रार्थी का मामा। लूट की रकम 1,10,000 रुपए को किया बरामद। यह पूरा मामला पटेवा थाना क्षेत्र का है, जहां प्रार्थी महासमुंद सब्जी मंडी से सब्जी बेचकर बिक्री की रकम 1,10,000 रुपए पिट्ठू बैग में रखकर महासमुंद से पिथौरा मोटरसाइकिल से जा रहा था। इसी बीच पटेवा बस स्टैंड के पास एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा इशारा कर लिफ्ट मांगने पर प्रार्थी के द्वारा लिफ्ट दे दी गई। वहीं अज्ञात व्यक्ति के द्वारा तेंदुवाही मोड़ के पास मोटरसाइकिल को रोकने बोला। मोटरसाइकिल रोकने पर पीछे बैठे अज्ञात व्यक्ति ने चाकू दिखाकर डरा धमकाकर पिट्ठू बैग में रखे 1,10,000 रुपए लूट कर अपने अन्य साथियों के साथ फरार हो गया। जैसे ही इस लूट की सूचना पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला को मिली, उन्होंने जिले के समस्त थाना तथा चौकी प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत अज्ञात आरोपियों को पकड़ने हेतु नाकेबंदी करने का निर्देशित किया, जिस पर थाना तथा साइबर सेल की टीम ने मुस्तैदी से कार्यवाही करते हुए प्रार्थी के मामा सहित 3 आरोपियों को धर दबोचा। आइए इस विषय की पूरी जानकारी लेते हैं महासमुंद जिला की एडिशनल SP मेघा टेम्बुरकर से। कल 9 मार्च को थाना पटेवा में लगभग 1 बजे के आसपास प्रार्थी दिनेश साहू निवासी चुरुपाली थाना तेंदुकोना का आकर हमारे थाने पटेवा में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसके साथ तेंदुवाही के पास चाकू दिखाकर लूट की घटना घटित हुई है और 1,10,000 की रकम थी और उसने हमारे थाने में आके रिपोर्ट दर्ज कराई। तो इसमें हमने धारा 392-34 IPC के तहत थाना पटेवा में FIR ली है और इसके बाद तत्काल SP सर द्वारा सभी थाना प्रभारियों को और जितने आउट पोस्ट हैं वहाँ पर पॉइंट दिया था कि चेकिंग और नाकेबंदी लगाएं और सभी अलर्ट हो गए थे और जितने आसपास के होटल ढाबा हैं उनको भी चेकिंग का पॉइंट दिया गया था। इसी तारतम्य में हमें बलिया ढाबा जो पटेवा में है वहाँ पर 2 संदिग्ध व्यक्ति घूमते हुए दिखाई दिए और जिनका हुलिया हमारे जो प्रार्थी ने हमको हुलिया बताया था उससे काफ़ी मैच हुआ और इस आधार पे हमारी साइबर की टीम ने उनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की और पूछताछ के दौरान उन्होंने कुछ गोलमाल जवाब दिया और घटना संबंधित उनकी प्रेजेंस हमें समझ में आई और इसके बाद इनकी निशानदेही पर ही हमें पता चला कि इनके 2 साथी और थे और इन्होंने जैसे ही प्रार्थी जिस समय सुबह अपने महासमुंद से लगभग 1,10,000 रुपये लेके निकला था उसी समय पीछा करते हुए तीनों लोग बाइक में आए हैं और पटेवा के झलप के जो बस स्टैंड है उसके पास एक आरोपी रुका और उसने प्रार्थी से लिफ्ट ली और आगे जाकर तेंदुवाही के पास जो शेष 2 आरोपी छुपे हुए थे उन्होंने उस पर अटैक कर दिया और चाकू दिखाकर उसके पास जो 1,10,000 का बैग था, बैग में रखा पैसा हुआ था, उसको लूट कर ले गए थे। इसकी सूचना पर तत्काल पुलिस ने एक्टिव होकर कार्रवाई की है और इसके शेष 2 आरोपी जो थे रायपुर भाग गए थे, इनको भी हम लोग पकड़ कर ले आए हैं और इस घटना के 4 आरोपी अरेस्ट हो गए हैं। क्या आरोपी लोग हैं वो प्रार्थी के पूर्व परिचित हैं, कैसे उसको? इसमें जो आरोपी जो प्रार्थी है उसका एक मुंह बोला मामा है नेत्राम साहू जो उसी के गांव का रहने वाला और उसका पड़ोसी है, उसको इस प्रार्थी के मूवमेंट की जानकारी थी कि रेगुलर ये पैसा लेकर आता जाता रहता है। तो इसकी सूचना इसने घटना की जो मास्टरमाइंड है कुमार ठाकुर उसको दी थी और इन लोगों ने बैठ के फिर प्लानिंग की थी। लिफ्ट मामा ने ही दिया था? इसमें लिफ्ट एक और है बिहारी लाल, उसने लिफ्ट दी थी। क्या धारा लगा, क्या जब्ती हुई इसमें? इसमें धारा 392-34 IPC के तहत FIR ली गई है। इसमें हमने पूरा जो पूरा मशरूका है 1,10,000 रुपए ये हमने पूरा रिकवर कर लिया है। साथ ही इसमें 5 नग विभिन्न कंपनियों के मोबाइल हैं जो 18,900 रुपए के हैं और घटना में प्रयुक्त 1 नग मोटरसाइकिल है जो 20,000 का है। टोटल इसमें हमने 1,48,900 इतना अमाउंट है, इस पर कार्रवाई की गई है।